हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, मैंने ये सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में से 10 साल की बच्ची की धोती सलवार बनानी बताई है आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने ये 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है, यानी कि फैब्रिक ज़्यादा है। इसमें से मैं सिर्फ 1.25 मीटर फैब्रिक निकाल के बाकी के फैब्रिक को बचा दूंगी। तो इसको हम इस तरीके से ट्राइंगल में रख के और इसमें से थोड़ा सा कपड़ा निकाल के बाकी के फैब्रिक को हम साइड में बचा के बेल्ट समेत मैं इसमें से कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि मुझे बेल्ट भी रखनी है इसमें। तो उसके लिए कपड़ा फोल्ड कर लेंगे हम। देखिए, इस तरीके से 2 फोल्ड करके और ऐसे करके, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ साइड से निकाल देंगे, बराबर कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हमने बराबर कर लिया है ऊपर बेल्ट के लिए। और यहाँ से जो हमारी इसकी लेंथ होगी टोटल, वो 33 इंच होगी हमारी सलवार की। यहाँ से मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। हमारी जो मोहरी है वो 6 इंच की तैयार होगी, तो हम 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ से अब हमारी जो लेंथ है वो 24 इंच बैठ रही है, क्योंकि इसमें बेल्ट लग जाएंगे और बड़वा मोहरी लगाएंगे, तो जो हमारी सलवार है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ से इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है, मोहरी वाले पार्ट को भी हम कट करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे की साइड झुका के लेंगे तो इसमें कोना नहीं बनेगा। ऐसे, और जो ये वाला कोना है इसको भी हम 1.5 इंच के बराबर कट कर देंगे। यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। इस तरीके से दिखाई देगी खोलने के बाद। ये बेल्ट है, यहाँ से बेल्ट की जो चौड़ाई है लंबाई बढ़ाने के लिए वो हम ज़्यादा रख रहे हैं, यानी कि मेरी बेल्ट है जो वो 6 इंच की तैयार होगी, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच ले रही हूँ और इस कपड़े को कट कर दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें कपड़ा कम है बेल्ट का। तो हम 20 इंच की बेल्ट रखेंगे, तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा वो सिलाई में जाएगा। टोटल 22 इंच ले रहे हैं। ये मोहरी के लिए कपड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा, तो 2-2.5 इंच की हमारी मोहरी आ जाएगी। आसन के लिए निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर और 1 इंच पर। ऐसे सिलाई समेत हमने 8.5 लिया है। अगर आप बड़े के लिए लगा रहे हैं तो इसे आप 8.5 इंच पे लगाएं। अब आसन कट कर लिया है, अब सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले बेल्ट को 2 फोल्ड करेंगे। मैं आपको एक पैर तैयार करना बता रही हूँ। मैंने बेल्ट के 2 पीस कर लिए हैं, एक एक पैर को अलग अलग तैयार करेंगे। इस तरीके से रख लेंगे इसे। हमारा ये कोने वाला जो हमने 1.5 इंच का कोना कट किया था जब कपड़ा ट्रायंगल रखा था, वो वाला है। इसको हम ऐसे सिल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट बन जाती है इसमें। ये कोना है हमारा। अब बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रख के सीधी साइड से सीधी साइड मिला के और इसमें अब हम प्लेट डालेंगे। ऐसे प्लेट हम 2.5-2.5 इंच की डाल रहे हैं। देखिए, पूरे में ही हम ये जो हमारा ये छोटा सा कट है ये उसी से मिलना चाहिए जो मैंने अभी सिला था। ये वाला कोना, यानी कि अब आधे में डल गई हैं।
अब आधे में हम दूसरी साइड को मुंह करके डालेंगे इसके सामने ही ऐसे, और फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इसी की तरह डाल देंगे और फिर उन दोनों का आसन सिल देंगे। ये देखिए डालने के बाद में इस तरीके से दिखाई दे रही है। इसकी मोहरी बना लेते हैं। अब पहले एक स्लाइस के ऊपर से लगा लेंगे, इस सिलाई लगा ली है, अब मोहरी बना लेते हैं। ये कपड़ा हम मोहरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसकी लेंथ है जो वो 33 चाहिए, तो लेंथ कम बैठ रही है, तो आप किसी में भी अपनी मोहरी बढ़ा सकती हैं कि मतलब बड़े में भी और छोटे में भी। ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे, इसमें बुकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे, अब इसके आसन को सिल देंगे एक साइड से और दूसरी साइड से इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए इसमें हम बेल्ट को फोल्ड करने की नेफा बनाएंगे। अब इसमें हम नेफा बनाने के लिए जगह बनाएंगे। दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने के बाद अब हम इस साइड और इस साइड सिलाई लगा लेंगे। और फिर जैसे हम नॉर्मल सलवार की सिलाई करते हैं, नेफा बनाने के बाद में मोहरी की फिटिंग करके 6 इंच मोहरी की फिटिंग रख के और हम उसको जैसे नॉर्मल सलवार को सिलते हैं उसी तरीके से इसको भी हम ऐसे ही सिल लेंगे। धागे को कट कर देंगे। ये देखिए बनने के बाद में इस तरीके से आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।